Hey guys, welcome back to another video. और आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग ऑफ दिस थिंग. ये एक एक्शन कैमरा है और ये नॉइस प्ले का एक्शन कैमरा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं. ये नॉइस प्ले का एक्शन कैमरा है और ये आता है 3500 रुपीज़ का. इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका हम रिव्यू भी करने वाले हैं, क्योंकि मैंने इसको बहुत टाइम से यूज़ किया है तो मुझे पता है कि इसका सब कैसा है. और बाय द वे, ये इसके साथ नहीं आता, ये मैंने अलग से परचेस किया है. तो अगर आपको ये चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो या और ख़रीद भी सकते हो. तो यार, मैं पहली बात तो बता दूं कि मैं ऐसे अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया नहीं है मैंने कभी ऐसे, पर ये फ़र्स्ट है मेरा, मतलब इस चैनल पर फर्स्ट है. मैंने पिछले मेरा जो हैक्रोनिक वाला चैनल था ना, उसके ऊपर मैंने किया था अनबॉक्सिंग और रिव्यू. इस कैमरा का भी किया था, पर वो अभी फ़िलहाल मैंने डिलीट कर दिया चैनल. और वो मैंने क्यों डिलीट किया, वो उसका मैंने अलग वीडियो बना दिया है, तो आप जाके देख सकते हो. हाँ, प्रॉबेबली मैंने डाल दिया होगा तब तक, अभी मतलब बन रहा था. 3 वीडियो एक साथ शूट किया है यार मैंने, एक लाइक बनता तो है यार मेरे लिए. डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, अगर नहीं दी है तो 2 दिन बाद आ जाएगी. वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. सो गाइज, ये है नॉइस प्ले का एक्शन कैमरा. 4K है, 30 मीटर्स अंडर वाटर है. ये कुछ उसके माउंट्स दिए गए हैं यहाँ पे. और ये है हमारा कैमरा और ये एप्लीकेशन है. अगर आप इसको स्कैन करोगे, इस बार कोड को स्कैन करोगे, तो आपके मोबाइल के अंदर इसका एप्लीकेशन ओपन होगा जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे कि आप इस कैमरा को वायरलेसली आप एक्सेस कर सकते हो आपके मोबाइल के ज़रिए. और ये रहे उसके कुछ और फीचर्स. ये सारे वीडियो फॉर्मेट्स है, मतलब वीडियो आउटपुट है. और इसका फॉर्मेट जो है MP4 है. टाइम लैप्स स्लोमो दोनों रिकॉर्ड करता है ये. और ये JPG फॉर्मेट में फ़ोटोज़ को क्लिक करता है. और इसका व्यूइंग एंगल 170 डिग्री है, इसका मतलब ये बहुत ही वाइड होता है. और इसके अंदर बिल्ट इन स्पीकर और माइक्रोफोन है. तो अभी बहुत हमने बॉक्स देख लिया, तो अभी फटाफट से इस बॉक्स को अनबॉक्स कर दिया. तो ये है हमारा कैमरा और इसको मैंने बहुत बार यूज़ किया है अंडर वाटर. इसके फुटेज जो है, सैम्पल फुटेज मैं आपको बाद में दिखाऊंगा. और ये है कुछ उसके माउंट्स. तो इस माउंट को आप कुछ इस तरह इस मिनी ट्राइपॉड के ऊपर लगा सकते हो. और आप ऐसे हैंड हेल्ड ब्लॉगिंग भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो. अगर आप बाइसाइकिल के ऊपर माउंट करना चाहते हो तो ये माउंट उसके लिए है. ये कुछ स्पेयर माउंट्स है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो. ये क्लीनिंग क्लॉथ है. ये है नॉइस प्ले का यूज़र मैनुअल. फ़िलहाल के लिए हम इन सभी चीज़ों को हटा देते हैं. सो गाइज, ये है हमारा एक्शन कैमरा नॉइस प्ले. और इसका जो माउंट है, इसे हम इस तरह खोलेंगे. ये है हमारा एक्शन कैमरा और ये उसका माउंट. अगर आप एक्शन कैमरा की तरफ देखो तो ये मोड और पावर ऑन ऑफ बटन सामने की तरफ दिया गया है. ये उसका लेंस है. यहाँ पर नॉइस प्ले की ब्रांडिंग की गई है. और लेफ्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड का इनपुट है, HDMI आउट है, या माइक्रो USB का चार्जिंग पोर्ट दिया गया है. और ये डिस्प्ले है. राइट में अगर देखें तो यहाँ पे वाईफाई और अप और डाउन का बटन दिया गया है. ऊपर एक ओके का बटन दिया गया है और एक इंडिकेटर दिया गया है. और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट है. ये जो बैटरी जो दी गई है 3.7 वोल्ट की है, लिथियम आयन की बैटरी है. हम इसको ऑन करें तो ये बटन हमें दबा के रखना पड़ेगा. अगर हम उस बटन को दबा के रखें तो ये कुछ इस तरह चालू होता है. और जैसे कि आप देख सकते हो ये 170 डिग्री वाइड एंगल है, तो ऑलरेडी ये बहुत सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर कर रहा है. और फिलहाल ये 1080p 60fps पे सेट है और इसका वाईफाई ऑफ है. और इसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं डाला है मैंने.
और अगर हम इस मोड वाले बटन को वापस दबाए तो हम आते हैं फोटो मोड पे, और फिर दबाए तो ये स्लो मोशन मोड है, और ये है गैलरी, मतलब आप देख सकते हो कि मेमोरी कार्ड में कौन से फ़ोटोज़ और वीडियोस है, और ये है सेटिंग्स का ऑप्शन। और इसमें जाने के लिए आपको ओके का बटन दबाना पड़ता है, तो अगर आप ओके का बटन दबाओगे तो सेटिंग्स के अंदर जाते हो आप तो, और FPS चूज़ कर सकते हो। फिलहाल तो मैंने इसको 1080p 60 पे रखा है, 20fps भी रख सकते हो, 720p 60fps भी रख सकते हो। और यहाँ पे है साउंड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका साउंड रिकॉर्ड हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऑफ भी कर सकते हो, या फिर आप दबा के ऑन भी कर सकते हो। यहाँ पे टाइम लैप्स का ऑप्शन है, जहाँ पे आप कितने सेकंड्स के बाद फ़ोटो निकालना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भी आप ऑन रख सकते हो। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे एक स्लो मोशन का ऑप्शन है, जहाँ पे आप अगर क्लिक करो तो 1080p 60fps और 720p 120fps का ऑप्शन दिखता है। और अगर हम फिर मोड का बटन दबाए तो ये फ़ोटो की सेटिंग्स आती है, टाइमर आता है यहाँ पे, और ये कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स है फ़ोटो के लिए। और यहाँ पे अगर हम जाए वाईफाई, और अगर हम एनेबल करें इसे तो ये वाईफाई मोड के अंदर चला जाता है। फिलहाल मेरा मोबाइल जो है रिकॉर्ड कर रहा है, तो अगर आप चाहे तो आप अपने मोबाइल के अंदर नॉइस प्ले का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस वाईफाई को कनेक्ट करके आप डायरेक्टली इसके थ्रू देख सकते हैं जो भी हो रहा है, और आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ये वाईफाई का ऑप्शन दिया गया है, और प्रेस अप टू एग्जिट वाईफाई, तो हम अप एरो दबाएंगे तो ये हो गया एग्ज़िट। और फिर अगर हम मोड पे जाए तो ये कुछ और सेटिंग्स है, डेट टाइम फॉर्मेट रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग्स, बस यही है। तो अभी जो है मैं आपको बहुत ऐसे सैम्पल वीडियोस बताने वाला हूँ, इस एक्शन कैमरा की मदद से मैंने ली हुए है कुछ सैम्पल वीडियोस, तो आप वो जाके देखिए। तो गाइस इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो एवरेज है बहुत ही, और इतनी ज़्यादा भी खास नहीं है, GoPro से तो बिल्कुल कंपैरिजन नहीं कर सकते आप इसका। पर 3500 के लिए मुझे ये वर्थ इट लग रहा है, क्योंकि आपको इसके अंदर वाईफाई भी मिल रहा है, और इसके अंदर स्लो मोशन भी है, और सभी चीज़ें इंक्लूडेड है इसके अंदर। और इसको मैंने बहुत यूज़ किया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रैच वगैरह पड़ा हुआ है। इसको मैंने ड्रोन के ऊपर माउंट करके ड्रोन उड़ाया, तो उसके भी सैम्पल शॉट्स बहुत अच्छे आए हैं। और बाय द वे मैंने ये सब सैम्पल शॉट्स जो है लॉकडाउन के पहले शूट किए थे। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो, मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाना। आप इतना मेहनत से मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ 2-3 दिन लेके, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, और शेयर करना वीडियो को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।